अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रोडक्टिव डे। अगर धूप की तपिश मुनासिब रही तो, अदरवाइज जिस तरह की धूप पड़ रही है तो कल भी मेरी जो है ना 2-3 प्लान कैंसिल होंगे ड्यू टू हीट वेव। चलो अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अल्लाह हाफिज़। पहले चेंज करना है, उसके बाद देखते हैं। कपड़े तो चेंज हो गए लेकिन इसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन नहीं करते वो लगाते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। ओ भाई यार, बस के कभी पढ़ती नहीं है, पहली दफा वीडियो बनाने को मेरे पीछे पड़ गई। पहले मैंने इतना ज़बरदस्त शॉट बना लिया था, मतलब मुझे लगा कि मैंने शॉट बना लिया, तो मैंने वापस जाके देखा तो वीडियो चली नहीं थी हुई। दोबारा मैं गया जब वीडियो बनाने गया हूँ तो उन्होंने ना खतरा महसूस किया और मेरे पीछे पड़ गई। ये बोले ठीक है भाई, बड़ी नहीं थी वो, ये उसके भाई सेल खराब है। ये ठीक है यार, टाइम सही है इसका, कितनी ठीक यार। एक तो ये बाइक की वजह से ना हेयर स्टाइल बन जाता है और जो कि आपको पसंद नहीं होता, बाल भी नीचे नहीं होते। This is your boss, the biggest living area. जिस तरह की फेंसेस लगी हुई ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे आ गया। एड्रेस ढूंढना है और एड्रेस ढूंढना है वो मिल नहीं रहा। सर जी हालत गैर होगी इस टाइम, ना घर मिल रहा, जहाँ जाना है और ना बंदा कॉल उठा रहा है, इसके घर जाना है। चल कुछ भी नहीं भाई, इधर वेट कर रहे हैं, ना बंदा फोन उठा रहा और ना ही घर मिल रहा है। अभी सोच रहा कि मैं ऑफिस चला जाऊँ, क्योंकि इतनी धूप में से लेना उससे बेहतर यही है बंदा ऑफिस चला जाए। अब अच्छा गार्ड आए हैं, गार्ड भाई से मैंने पूछा एड्रेस, मज़े की बात है भाई को भी नहीं पता। सर पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई को भी एड्रेस, भाई को भी नहीं पता। भजन सारा घूम घुमा के एड्रेस मुझे मिला नहीं, मैं वापस आ गया और स्टिल बंदे ने कोई कॉल नहीं उठाई। जितना मैं एनर्जेटिक होकर सुबह घर से निकला था यार, कर देना सारा काम, लेकिन एक काम भी नहीं हुआ। अभी मेरा अलग ऑफिस पहुँचे हैं, थोड़ी सी दूर हल्की होगी, मतलब 4-5 बजे के बाद, उसके बाद फिर देखेंगे जो बनानी है। 3 वीडियो स्पेशल थी जो कि आउटसाइड थी, ऑफिस बेस तो अभी भी मैं बना लूँ, ऑफिस का मसला नहीं है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से ना एक घंटा भी ज़ाया होगा और धूप जिस एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी पड़ गई ना, तो भाई उसने वैसे ही फ्रस्ट्रेट कर दिया। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी भाई, मैं 1 के बाद आया हूँ यहाँ पर,
ऊपर अच्छा ड्राइव करते भाई जान नहीं मैं काफ़ी देर के बाद आया हूँ तो और अच्छे खासे हाई राइज बन गए बाहर से देखो कुछ और लगता है इधर से इधर आपको मैकडोनल्ड्स नज़र आए ना तो अभी मैं भाई वापस आया हूँ और ये सारा दिन की जो एक्सरसाइज थी उसकी दो रीजंस थी, एक मुझे यहाँ पर दोनों जगह पे काम था, दूसरी कि एक इस सोसाइटी से एक जगह पे जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ कोई बाहर निकल के कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नए प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने हैं, तो वो दोनों ही जहाँ पर मैं सुबह गया था और वहाँ पर तो कुछ इन्वेंट्री है जिसकी मैंने शूटिंग करनी थी, वीडियोस बनानी थी, अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं सका। एक तो वो है, दूसरी अभी जहाँ पर मैं वापस होके आया वहाँ पर भी काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग, काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी अच्छी सोसाइटी डेवलप होगी हुई है। तो मकसद ये था कि नए नए प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करना, मार्केट से बाहर निकल के देखना क्या हो रहा है, क्या कमिंग डेज़ में आ रहा है और लोग क्या काम कर रहे हैं मार्केट में, ये सारी एक्सरसाइज थी भाई। और यही आज की एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू सोसाइटीज़, तो उसका सारा मैंने आज काम किया है। और जितनी आज तबाही गर्मी थी ना, बल्कि अलतबाही गर्मी थी, तो लग पता गया, लेकिन जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो मेरा ख्याल है आपको वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं जाती। पर ऑल इट्स अ गुड थिंग, गुड साइन। और एक और चीज़, मैंने जो असल में ऑफिस की वीडियो बनानी थी वो मैं बाहर बनाने गया हूँ आउटसाइड, उस वक्त 2 से 3 बज रहे थे और मेरा फ़ोन हीटअप होके बंद हो गया, इतनी गर्मी थी, तो वो तो पेंडिंग पे चलेगी आज। तो बाहर वाला सीन था, हाफ उसकी वीडियो बन गई है और हाफ जो है रह गई है, वो हो सकता है मैं अभी शूट कर लूँ, तो देखते हैं उसका क्या करना है। बहरहाल दैट वॉज़ द वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट। एंड बस जो था अभी यहाँ तक था, बाकी कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।